हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आपका हमारी गाड़ी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको ये वीडियो देखकर थोड़ी हंसी आ रही होगी, मजाक आपको लग रहा होगा कि ये क्या दिखा रहा है हमको। लेकिन आज इन दो तीन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि किस लिए ये यूज किए जाते हैं और क्यों इनको सभी कंपनियों में यूज किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसमें ये सेफ्टी शूज, हेलमेट और ईयर, ये ग्लास हमारे जो है ये यूज़ ना किए जाते हों। ऐसी कोई भी कंपनी आपको नहीं मिलेगी जहां पे ये हमारे चश्मे, हेलमेट और शूज जो है यूज़ नहीं किए जाते। ये जो है सरकार ने भी हमारे लागू कर रखे हैं। किसी भी कंपनी में आपको हेलमेट और जूते के बिना अंदर नहीं दिया जाता, सरकारी कोई भी कंपनी होती है। तो ये हमारी किस प्रकार से रक्षा करते हैं, क्यों हम इन्हें पहनते हैं, तो सब कुछ मैं इस वीडियो पर बताऊंगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को ज़रूर दबा दें और पाए वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे करूँगा हेलमेट के बारे में। तो ये हेलमेट है, सेफ्टी हेलमेट है, 400-500 रुपये का आता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। तो सेफ्टी के बारे में हर कोई कंपनी जो है बहुत अलाउड होती है। बंदा चाहे काम कम कर ले लेकिन सेफ्टी पूरी रखती है, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए। मान लीजिए कि कंपनी में आपको जो है पूरी ज़िंदगी कमाना है या नहीं कमाना है, लेकिन कहीं पर भी आप काम तो ज़रूर करोगे और उसके लिए आपका एक सुरक्षित शरीर होगा, तभी आप काम कर पाओगे। ये हेलमेट किस लिए दिया जाता है कि इसको सर पे डाल ले। और जो ये हेलमेट होता है एक बाइक हेलमेट से बहुत ही हार्ड ये हेलमेट होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी आपको मिलती है। एक तो ये जो है रबड़ यहाँ पे लगाया हुआ है, एक रिबन टाइप का जो आपके गले में लग जाता है, फिर ये प्लास्टिक का लगा फिक्स ये यहाँ पर, आप इसको यहाँ से फिक्स कर सकते हो। फिक्स करके रखा जाता है, लॉक इसमें ये दिया हुआ है, ये लॉक घूम भी सकता है इस तरीके से खुल के, इस तरीके से इसको जो है बंद किया जाता है। और यहाँ से जब भी कोई आपको सर के ऊपर, मान लीजिए कोई प्रेस आप चलाते हैं, प्रेस सॉप, मान लीजिए प्रेस सॉप का मतलब होता है कोई मशीन, प्रेस सॉप मशीन ऐसी मशीन होती है जो लोहे को काट करके उसको जो है एक पार्ट के रूप में बदलती है। अब मान लीजिए कोई 1000 टन की प्रेस सॉप है, अगर उससे कोई चीज़ करती है और उसको आप उठाते हो, क्योंकि प्रेस सॉप पे बहुत 1000 टन बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे अगर आप कोई माल उठाते हो तो अगर बाई चांस मशीनरी का क्या होता है, कभी भी फेल हो जाती है, तो उसका कोई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसलिए इसको लगाया जाता है। जैसे ही इस पर अगर थोड़ा बहुत हमारा प्रभाव पड़ेगा तो ये बहुत कुछ रोक लेता है, तो इसलिए इसको रखा जाता है। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे इस्तेमाल करें। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं हम इन शूज़ की, सेफ्टी शूज़। यह है मिलन फ्रॉम एक्शन कंपनी के, ये शूज़ हैं, बहुत ही बढ़िया शूज़ है। अब आप इनको थोड़ा सा अजीब तो लग रहा होगा आज इस वीडियो पर, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी में अभी आपको कोई जल्दी सी नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको जो है सभी चीज़ें बताता हूँ। इसके आगे देखिए ये जो है एक चमड़े के जूते होते हैं, सेफ्टी शूज़, बहुत ही हार्ड होते हैं ये, 1500 रुपये से कम नहीं मिलेंगे आपको कहीं पर भी। तो मैंने यह 1500 रुपये के लिए थे, क्योंकि कंपनी के अंदर जो है इन्हीं से मेरी एंट्री होती है और इन्हीं से बाहर किया जाता है। आगे की तरफ इसमें आपको जो है लोहे की कटोरी लगी होती है, जिससे पंजे पे प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई ज़्यादा मोटा लोहा हमारे पैर पे पड़ जाता है तो उंगलियाँ टूट जाती है और पैर हमारा पूरा ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए कंपनी ने ये शूज चला रखे हैं। इन्हीं कंपनी से आपको इन होगा आउट होगा, यही कंपनी आपके लिए जो शूज है ये यही मान्य करती है। और नीचे से भी ये देखिए, बहुत ही इसका जो है वज़न भी इसमें एक शूज में जो है आधा या एक किलो वज़न इसमें होता है, तो बहुत ही हार्ड ये शूज होता है। और अब थर्ड नंबर पे बात करते हैं, यहाँ पे हम ये हमारे जो है अब इनको साइड में रख देते हैं हम, चलो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये जो हमारे गिलास होते हैं चश्मे, तो काफ़ी दिन से रखा है तो ये गंदा थोड़ा होगा है, तो इसको मैं साफ़ करके आपको दिखाऊँगा। क्योंकि देखिए अगर आंखें हैं तो आप दुनिया देख पाओगे, अगर आंखें नहीं रहेगी तो आप दुनिया क्या कुछ भी नहीं देख पाओगे। तो इसको थोड़ा सा मैं साफ़ कर देता हूँ, एक कपड़ा मैं यहाँ पे लेता हूँ।
अगर आपकी आंखें रहेगी तो दुनिया देख पाओगे, नहीं रहेगी तो कुछ नहीं है। आप जानते हो, मुझसे बेटर जानते हो, जिनकी आंखें नहीं होती उनको पता होता है कि दुनिया क्या चीज़ है, दुनिया को कैसे देखते हैं। वे लोग जो है तरसते हैं दुनिया को देखने के लिए, बहुत ही अपने आप में कमी महसूस करते हैं कि हमारी काश आंखें होती तो हम इस दुनिया को देख पाते और कैसी ये दुनिया है, कैसे लोग हैं, कैसी बढ़िया बढ़िया जगह है वहाँ पर घूम पाते। तो कंपनी में मान लीजिए आपने इसको लगाया या फिर कोई भी ऐसी नुकीली चीज़ जो आपकी आँख को दुर्घटनाग्रस्त कर दे, तो उसके लिए इनको जो है बनाया जाता है, लगाया जाता है। तो ये दो तीन चीज़ें आज मैंने बताई है सेफ्टी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाद में घंटी को जरूर दबा दे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।